हेलो दोस्तों, शादी में एक से बढ़कर एक घटनाएं होती ही रहती हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस शादी में क्या हुआ। उससे पहले देखो, आपने नहीं किया बस चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से वो रेड वाली बटन दबा दो। और वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज लाइक वाला बटन दबाना मत भूलना। अब आते हैं शादी वाली वीडियो में। तो देखो, जब दूल्हा और दुल्हन में ही विवाद हो जाए तो इसे क्या कहा जाए। सोशल मीडिया पर अभी शादी का जो वीडियो सामने आया है उसमें कुछ इसी तरह का नज़ारा लोगों को देखने को मिल रहा है। वीडियो में आप देखेंगे कि भरी महफिल में दुल्हन अपने होने वाले दूल्हा और उसके घर वालों पर भड़क रही है। दुल्हन की डिमांड है कि उसे दहेज मिले, नहीं तो वो शादी तोड़ देगी। दुल्हन की इन हरकतों पर दूल्हा बिल्कुल खामोश रहता है। वो चुपचाप सिर्फ दुल्हन की बातें सुन रहा होता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दूल्हा और दुल्हन मंडप पे बैठे होते हैं। दोनों किसी विवाद को लेकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। दरअसल लड़की शादी तोड़ने की धमकी दे रही है। इसी दौरान एक शख्स आकर पूछता है कि आप क्यों शादी नहीं कर रही हैं। इस पर वो कहती है, इनके यहाँ जो भी मेरा दहेज का पैसा बाकी है वो ला कर दें, हम इनसे दहेज ले रहे हैं, किसी से डरते नहीं। हम एक टीचर हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और ये मामूली से कंपनी में काम करते हैं। आमतौर पर आपने यही देखा होगा कि दूल्हे वाले दुल्हन के घर वालों से दहेज की डिमांड करते हैं, लेकिन यहाँ सब उल्टा है। लड़की खुद लड़के वालों से दहेज मांग रही है और इस बात पर बिल्कुल लड़ी है कि दहेज नहीं मिली तो वो शादी तोड़ देगी। आगे आप खुद ही देख सकते हैं कि वीडियो में क्या हुआ। तो कहिए पैसा हमको दे, दहेज का जो पैसा बाकी है देंगे, उसके बाद ही हम शादी करेंगे, नहीं तो बारात लेके वापस घर जाए।